आईसीटी और ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का मुख्य योगदान है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आईसीटी कहते हैं। इसमें विशाल नेटवर्क्स, मोबाइल फोन्स और आधुनिक तकनीक की सहायता से नागरिकों तक विभिन्न सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो पिछले एक दशक में सूचना, संचार और तकनीक के आगमन से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पंचायतों के संबंध मजबूत हुए हैं। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, वहां शासन की जटिलताओं को आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की सहायता से कम किया जा रहा है। आईसीटी बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के हर गांव को सशक्त कर रहा है। आईसीटी जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता इसके मुख्य अंग हैं। ई गवर्नेंस का ढांचा और आईसीटी। सा से सा, वो कार्य जो सरकार से सरकार के मध्य होते हैं। सा से ना, वो कार्य जिसका सरोकार सरकार और नागरिकों के मध्य है। सा से वा, वो कार्य जो सरकार और व्यापार के मध्य है। सा से का, वो सभी कार्य जिसका सरोकार सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य है। ना से ना, नागरिकों से नागरिकों के मध्य होने वाले सभी कार्यों को ना से ना की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सा से सा, जब सरकार का कोई विभाग किसी दूसरे विभाग से संपर्क करता है तो वो सा से सा की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी को अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कृषि मंत्रालय को खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मिलती है। इसी तरह अन्य मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं के लिए कितना पैसा चाहिए इसकी सूचना वित्त मंत्रालय को देते हैं। सा से ना, सरकार एवं नागरिकों से संबंधित कार्यों को सा से ना की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी को अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली बिल जमा करवाना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें आदि। सा से वा, सरकार और व्यापार से जुड़े कार्यों को सा से वा की श्रेणी में रखते हैं, जिसे अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण आदि। सा से का, सरकार और उसके कर्मचारियों से संबंधित मामलों को सा से का की श्रेणी में रखते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से सरकार अपने कर्मचारियों से और कर्मचारी सरकार से संप्रेषण करते हैं। ना से ना, नागरिकों से नागरिकों के मध्य होने वाले सभी कार्यों को ना से ना की श्रेणी में रखा जाता है। इसके तहत नागरिकों के आपसी संबंध मजबूत होते हैं। ई गवर्नेंस के तहत लोगों को कई तरह की सुविधाएं ऐप की सहायता से भी मिल रही हैं। आज सरकार द्वारा बनाए गए ऐप से लोग आर्थिक लेन देन, संचार और अन्य तरह की सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। अब एम आधार को ही ले लीजिए, सरकार से नागरिकों तक मिलने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने लोगों को ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने समेत अन्य कई तरह की सुविधाएं दे दी हैं। जी हाँ, एम आधार ऐप डाउनलोड करके आप 35 से अधिक आधार से जुड़ी सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड में किसी तरह के बदलाव के साथ ही UIDAI आपको अपनी पहचान को वेरिफाई करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन के लिए लोग UPI ऐप भीम का उपयोग कर रहे हैं। भीम ऐप दूसरे UPI एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट के साथ मिलकर आराम से पैसों के लेन देन करने में सक्षम है।
इसलिए इसकी सहायता से पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आराम से जमा करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अन्य यूपीआई माध्यमों को भी भीम ऐप सपोर्ट करता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन अंत्योदय एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लेकर आई है। इस ऐप का उपयोग सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। आज इस ऐप की सहायता से देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तरह जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र भी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठा पा रहे हैं। ICT का मिला उपहार, जीवन में आई खुशियों की बहार।